हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी अगली प्रोजेक्शन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पोलर केस। ये भी जेनिथल ग्रुप ऑफ प्रोजेक्शंस की ही एक प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन में भी हम प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये भी एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन के अंदर यह माना जाता है कि प्रकाश का स्रोत ग्लोब से बाहर अनंत दूरी पर है और वहाँ से प्रकाश की किरणें जो हैं, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणें जो हैं वो अनंत दूरी से एक दूसरे के समानांतर इस समतल पृष्ठ तक आती हैं। इस प्रोजेक्शन के लिए हमारा RF है 1:150,000,000, पैरेलल इंटरवल है 15 डिग्री, मेरिडियन इंटरवल है 30 डिग्री। इस प्रोजेक्शन के लिए भी हमें केवल R ही कैलकुलेट करना है, यानी कि मापक के अनुसार ग्लोब का अर्धव्यास। पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है वो 640,000,000 सेंटीमीटर्स है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ द स्केल, यानी कि 150,000,000। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 4.26 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या करना है कि 4.26 सेंटीमीटर्स प्रकार खोल के एक वृत्त लगाना है। इस वृत्त के अंदर हम नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट लाइन्स ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि हमारा पैरेलल इंटरवल 15 डिग्री है, इसलिए हम 15 डिग्री के इंटरवल पर कोण बनाएंगे, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। सभी कोण जो हैं हमारे बनने के बाद, अब इस प्रोजेक्शन में क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट जो है वो अनंत दूरी पर है तो ग्लोब से बाहर की उसकी स्थिति है, तो हमने नॉर्थ पोल को एज प्लेन सरफेस माना है। नॉर्थ पोल या साउथ पोल, किसी को भी हम प्लेन सरफेस मान सकते हैं। यहाँ हमने सुविधा की दृष्टि से नॉर्थ पोल के ऊपर अपना प्लेन सरफेस रखा है और प्रकाश की किरणें समानांतर, एक दूसरे के समानांतर अनंत दूरी से आ रही हैं, जो कि इन सभी अक्षांश रेखाओं को काटते हुए हमें इस प्लेन सरफेस पर कुछ बिंदु दे रही हैं। ये बिंदु हैं ई से गुजरती हुई रेखा ई डैश, एफ, जी, एच, आई, जे और एन बिंदु हमारा पहले से ही स्थित है। अब ये सभी जब प्रकाश की किरणें हमारे पास आती हैं तो हमें कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जो कि जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ चल रहे हैं तो इनके बीच की दूरियां जो हैं वो कम होती जा रही हैं। अब कुछ दूरी पर हम एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। उस सेंटर पॉइंट से हम सबसे पहले एन से जे जितनी प्रकार खोलेंगे पहला वृत्त लगाएंगे, जो कि हमारे 75 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। N से I जितनी प्रकार खोलेंगे 60 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। N से H जितनी प्रकार खोलेंगे 45 डिग्री के वृत्त के द्वारा 45 डिग्री की अक्षांश रेखा को प्रदर्शित करेंगे। N से G जितना प्रकार खोलेंगे 30 डिग्री का वृत्त लगाएंगे। N से F जितनी प्रकार खोलेंगे 15 डिग्री के लिए वृत्त, और फिर N से E डैश जितनी प्रकार खोल के 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के लिए वृत्त लगाएंगे। अब आप देखेंगे कि केंद्र से बाहर की तरफ चलते हुए हर अगली अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी घटती जा रही है। अब सबसे पहले एक सेंटर रेखा लगाएंगे केंद्र से गुजरती हुई, जो कि हमारी 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक की देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी। एक प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और उसकी सहायता से हम, क्योंकि हमारा मेरिडियन इंटरवल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के इंटरवल पर उस प्रोटेक्टर की सहायता से हम अपने एंगल्स लगाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 हम लगा चुके हैं, ये सभी ईस्ट की वैल्यूज़ हैं। दूसरी तरफ भी 30 डिग्री, 60, 90, 120 और 150, ये सभी वेस्ट की वैल्यूज़ हैं। तो इस प्रकार से हमारी सभी देशांतर रेखाओं के लिए निशान लग जाते हैं। अब हम इस बिंदु को ही केंद्र मान करके सभी अक्षांश रेखाओं के लिए एक स्केल की सहायता से इन पॉइंट्स को मिला देंगे, जिससे हमारी सभी देशांतर रेखाएं अंकित हो जाएंगी। इनके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा जो वृत्त के रूप में है और देशांतर रेखा जो सरल रेखा के रूप में है, दोनों के लिए सेम वैल्यू 0 डिग्री। 15 डिग्री की अक्षांश रेखा, 30, 45, 60, 75 और सेंटर में हम N यानी कि नॉर्थ पोल।
दूसरी तरफ जितनी भी सरल रेखाएं हैं वो सभी देशांतरों को प्रदर्शित कर रही हैं, तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट की वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे। इस प्रकार से हमारी प्रोजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इस प्रोजेक्शन की कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रोजेक्शन की सबसे पहली विशेषता ये है कि इसके अंदर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सभी वृत्तों के द्वारा दिखाई जाती हैं और देशांतर रेखाएं सरल रेखाओं के द्वारा जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रोजेक्शन के अंदर जैसे जैसे हम ध्रुव से बाहर की तरफ आते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखाओं का जो मापक है उसके अंदर कमी आती जाती है, इसलिए इस प्रक्षेप को न तो हम शुद्ध क्षेत्रफल न ही शुद्ध आकृति प्रक्षेप कह सकते हैं। इस प्रक्षेप का इस्तेमाल सामान्यतः हेवनली बॉडीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है जो कि इस प्रक्षेप की एक मुख्य विशेषता है। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन जो है वो न तो शुद्ध आकृति और ना ही शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप है। धन्यवाद।